हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा ट्यूबलाइट के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके बारे में आपको पता नहीं है और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आखिर वो जो छोटा सा बच्चा है इस फिल्म में ट्यूबलाइट, आखिर वो है कौन, उसका नाम क्या है, फिल्म में क्या रोल है, कहाँ से बिलोंग करता है, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत ही प्यारा बच्चा है। और 5 साल का यह बच्चा, सबसे पहले बताओ तो इसकी जर्नी किस तरह से शुरू होती है, फिल्म में किस तरह सेलेक्ट हुआ, सब बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये चाइना का बच्चा नहीं है, ये इंडिया का ही बच्चा है। इंडिया में ईटानगर में पैदा हुआ था ये, और ईटानगर आपको सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, तो ईटानगर में पैदा हुआ था। और इनके पिताजी हैं अनुपम तंगू और माताजी है, यानी कि माँ है मोनिशा करबक। तो मनीषा और अनुपम के यहाँ पैदा हुआ है, 5 साल का बच्चा है। और 2016 में जब मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग एजेंसी, जी हाँ बहुत बड़ी कास्टिंग एजेंसी है, कास्टिंग कंपनी जब ढूंढने गई बच्चे के लिए रोल के लिए, ऑल ओवर इंडिया उन्होंने राउंड अप किया ढूंढने के लिए, तो वो जब अरुणाचल प्रदेश पहुंचे और ईटानगर में ऑडिशन जब रखा तो कई सारे बच्चे आए थे वहां पर, और उसमें से तंगू यानी कि मार्टिन जो तंगू है, मार्टिन रे तंगू, वो इन्हें भा गया, अच्छा लगा, लेकिन उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ था। 5 बच्चों को मुंबई लाया गया फाइनल ऑडिशन के लिए, और उसके बाद जाके मार्टिन को सिलेक्ट किया गया इस रोल के लिए। कहा जाता है कि 1000 बच्चे तक के ऑडिशन हुए हैं, ये कहा गया है कास्टिंग एजेंसी की तरफ से, तो बहुत बड़े लक था मार्टिन का जो इस फिल्म में रोल निभा रहे हैं। और इसके अलावा बात करूं तो आपको सलमान खान के साथ इनकी जो बॉन्डिंग है बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है, और हमने मार्टिन को चौथा गाना जो आया था मैं अगर, उसमें देखा था, आतिफ असलम जिसमें गा रहे थे उसमें हमने मार्टिन को देखा, मार्टिन और सलमान यानी कि लक्ष्मण और मार्टिन, मार्टिन का नाम क्या है फिल्म में अभी तक उतना पता नहीं चला है, उन्हें देखा, साथ में उनके इमोशंस को देखे, किस तरह सलमान के लिए आइसक्रीम लेके जाते हैं, बहुत इमोशनल बॉन्ड है, रियल लाइफ में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, हम सभी को पता है सलमान बच्चों के बच्चे बहुत पसंद सलमान खान को, तो ऑलरेडी इमोशनल बॉन्ड बिल्डअप कर चुके हैं मार्टिन। और जिस तरह से हर्षादी मल्होत्रा ने बजरंगी भाईजान को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया था फिल्म को, एक बड़े लेवल पर, जहां पर ऐसा एक वक्त लग रहा था कि सलमान खान की फिल्म नहीं है ये है हर्षादी मल्होत्रा की फिल्म, और सलमान खान उसमें साइड रोल कर रहे हैं, सेम इस फिल्म में भी नजर आएगा क्योंकि हाल ही में पता चला है कि जो बच्चा है मार्टिन का छोटा सा रोल नहीं है, बड़ा सा रोल है, तो मेरे ख्याल से जो पूरी फिल्म है बच्चे और सलमान खान के इर्द गिर्द घूमती होगी, और उनकी जो मासूमियत है उस पर ये फिल्म आसपास घूमती होगी मेरे हिसाब से। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मार्टिन के बारे में जो नेट पे अवेलेबल है, उनके माता पिताजी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना सिर्फ पता चला है कि उनके जो पिता है यानी कि अनुपम तंगू ऑफिसर है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है अरुणाचल प्रदेश के डेप्यूटी सीएम के, मतलब उनके सेवा करते हैं ये, उनके पोस्ट पे निर्धारित है, यानी कि ओसीडी इसे कहते हैं, यानी कि ओडीसी ओडी ओसीडी कुछ नाम है, ऑपरेशन ऑफ स्पेशल ड्यूटी, तो इस पोस्ट पे निर्धारित है, यानी गवर्नमेंट के जॉब पे ही है, तो एक बहुत ही लकी है उनके पिताजी माताजी की, सलमान खान के साथ उनकी फिल्म आ रही बच्चे की, उनके बच्चे की, और ये फिल्म किस तरह से होगी वो सभी को पता है। एक चीज मेरे को अभी से फीलिंग आने लगी कि बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि फिल्म बहुत बढ़िया चलने वाली है और बहुत कमाल होने वाला है। आपको क्या एक्सपेक्टेशन इस फिल्म से आप जरूर बता सकते हैं, इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही मेरी वेबसाइट bollywoodcrazies.com पे विजिट करना ना भूलें, जहां पे आपको डिसेंट सिंपल तरह के आर्टिकल्स मिलेंगे, वो भी डिटेल्ड वे में विद फैक्ट्स एंड ऑल, तो आपको वो वहां पे जाना है तो आप मेरी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।